नमस्कार दोस्तों बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बीएमआई यानी कि जो हम मोटापे को मेयर करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने मोबाइल में डालकर अपनी हाइट और वेट मेयर कर लेते हैं क्या वो हर टाइम पर रेलेवेंट है या उसकी कुछ लिमिटेशंस है बॉडी मास इंडेक्स यानी बी एक बहुत ही सिंपल मेयर है बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं हम भी वेस्टिड ट्रीटमेंट में इसे यूज़ करते हैं बिकॉज इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है जस्ट आप अपना हाइट और वेट एक ऐप में डालिए और आपको बी की वैल्यू दे देगा लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि बी जो मेजरमेंट है ये फुल प्रूफ नहीं है इसके कुछ कैचेज हो सकते हैं सो उस चीज को ध्यान में रख के आप इसकी रीडिंग को रीड कीजिए सबसे पहले तो ये अडल्ट के लिए वैलिड है अगर आप छोटे बच्चे में यही वैल्यू डालते हैं तो उसकी वैल्यूज और अडल्ट वैल्यूज में डिफरेंस रहेगा देन मस्कुलर पर्सन और ओबीज पर्सन की कम्पोजिशन में भी डिफरेंस होता है यानी कि अगर दो लोगों का हाइट सेम है और उनका वेट भी सेम है फिर भी एक पर्सन में मसल मास ज़्यादा हो सकता है और दूसरे में फैट कंटेंट ज़्यादा हो सकता है यानी कि एक शायद नॉर्मल हो और दूसरा अब नॉर्मल या ओवरवेट या ओबीस हो तो इसके लिए बीएमआई के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है ऐसा खास तौर पर उन लोगों में देखा गया है जो काफ़ी एथलेटिक हैं या जिनकी मसल काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं तो हो सकता है कि उनका जो वेट है वो मसल मास की वजह से ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको बी की वैल्यू हायर साइड पे दिख रही है लेकिन उनके कंपैरेटिवली अगर किसी में फैट कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें सेम बीएमआई की वैल्यू आ सकती है लेकिन एक्चुअल में उसमें फैट ज़्यादा है और उसकी बॉडी को वो हार्म कर रहा है तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि बी जो है वो मसल और फैट कॉन्टेंट के हिसाब से भी वेरी कर सकता है आपकी बॉडी में चेंजेज आ सकते हैं और इसकी वैल्यू एब्सोलूट नहीं है इसके अलावा एथनीसिटी यानी आप कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है आपकी बी एम आई वैल्यू की रेंज क्या वो नॉर्मल है या नहीं यानी कि अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो हम अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल बी एम आई को ट्वेंटी फाइव मानते हैं और ट्वेंटी फाइव से थर्टी को हम ओवरवेट और उसके ऊपर ओबेस्टी मानते हैं लेकिन सेम वैल्यूज जो है वो एशियंस के लिए टू पॉइंट फाइव पॉइंट से कम कर दी गई हैं यानी कि अगर एशियंस में बी एम आई ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव से ज़्यादा है तो उसे हम ओवरवेट मानते हैं और अगर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव से ज़्यादा है तो उसे हम ओबेस्टी मानते हैं ऐसा इसलिए है बिकॉज दोनों की बॉडी कम्पोजिशन अलग अलग है और एशियंस में obesity की वजह से होने वाली बीमारियाँ मच अर्लियर स्टेज में देखी गई हैं यानी कि अगर आप ओवर वेट में हैं या obesity में हैं तो एशियन कैटेगरीज में ये सब आपको शुगर बीपी हार्ट डिजीज हाई कोलेस्ट्रॉल ये सारी बीमारियाँ जल्दी हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस या अमेरिकन तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जब आप बी वैल्यूज़ को ग्रेड करें उनका कंपैरिजन देखें तो ये भी देखिए कि आपकी अपनी एथनिसिटी क्या है उसके साथ की वैल्यूज़ को कंपेयर कीजिए रादर देन की आप किसी और वैल्यू को या किसी और एथनिसिटी के हिसाब से अपनी बी एम वैल्यू को रीड करें सो आई होप ये वीडियो देखकर आपको बी एम वैल्यूज़ रीड करने का आइडिया लगा होगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे थैंक यू